आज मैं आपको बताऊंगी स्वीट पोटेटो यानी कि शकरकंद को हम किस तरीके से घर में भुने तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। जब इसे हम चूल्हे या कोयले में सेकते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, पर सभी के घर में ये चीज अवेलेबल तो होती नहीं है, तो कैसे हम वैसा स्वाद हम लाए तो वो मैं आपको बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। तो यहाँ पर मैंने शकरकंद ले लिए हैं, इसे अच्छे से धो के साफ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है। नॉर्मली बहुत सारे लोग इसे उबाल के पकाते हैं, पर उबालने से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है और उसका जो मीठापन है वो थोड़ा कम भी हो जाता है। जितना आप इसे भून के बनाएंगे ना उससे उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कढ़ाई में आप एक छोटी चम्मच घी डाल दें इस तरीके से सभी तरफ फैलाते हुए, और इसमें शकरकंद को रख दें और इसमें हम थोड़ा सा पानी इस तरीके से छिड़क देते हैं जिससे कि ये जले नहीं नीचे से, और इसको अब ढक देते हैं। ढक कर इसे धीमी आंच पर इसे हम 10 मिनट के लिए भुनेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम पलटा देते हैं। देखिए ये वाला साइड पक गया है, सिक गया है ये, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमने इसे भुना हो कोयले में। तो इसे वापस से ढक देंगे और 10 मिनट के लिए फिर से धीमी फ्लेम पर इसे सेकेंगे। चेक कर लेते हैं और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सभी तरफ से भुने हुए लग रहे हैं और खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। आप एक कांटे की हेल्प से इसे चेक कर लें, देखिए बिल्कुल अच्छे से ये इजीली जा रहा है, नरम हो गया है यानी कि पक गया है। तो बस ये अच्छे से सिक गया है अब, और ये देखिए बिल्कुल भी नीचे से ये चिपका नहीं है। और बस अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके खाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और ज़्यादा ये मीठे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको मैंने ठंडा कर लिया है, इसे मैं काट के आपको बताती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे सब कलर भी कितना बढ़िया, अच्छा वैसा का वैसे ही है। अंदर से देखो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसे मैं आपको छील के बताती हूँ, इस तरीके से आप छीलें और बस इसे खाइए। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।